नमस्कार हिमाचल, अभी अभी के न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। जेपी नड्डा का हिमाचल से ऐलान, बीजेपी को बनाएंगे विश्व की सबसे उत्कृष्ट पार्टी। जयराम बोले, प्रदेश हित में जो होगा डंके की चोट पर करेंगे, विरोध करने वाले करते रहें। गोविंद ठाकुर की पत्नी के लाखों चोरी मामले पर मुकेश रायजादा का सरकार पर वार। जयराम सरकार से नाराज विक्रमादित्य, कहा सरकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद न हुआ तो करेंगे आंदोलन। आशा कुमारी की नजरों में जनता को मिसलीड करने वाली पार्टी है बीजेपी, कहा इस बार जनता हमें जितवाएगी। सुंदरनगर बीएसएल जलाशय में तैरता रहा शव, परिजन करते रहे पुलिस का इंतजार। मणिकरण में ट्रैकिंग के दौरान लापता बेंगलुरु का युवक किया रेस्क्यू। भरमौर, लक्कड़ मंडी, डलहौजी में सीजन की पहली बर्फबारी, ठंड के आगोश में हिमाचल। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच से ऐलान किया है कि बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के बाद अब इसे सबसे उत्कृष्ट पार्टी बनाया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आज नड्डा पहली बार सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी पहुंचे। सलापड़ से लेकर मंडी तक जगह जगह जेपी नड्डा का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। जेपी नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर खुली कार में सवार होकर रोड शो करते हुए मंडी तक आए और जनता को संबोधित किया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के सहयोग से चल रही है, जहां जरूरत पड़ी जनता खड़ी हुई। मेरे सीएम बनने पर लोगों ने कई तरह की टिप्पणियां की थी, लेकिन सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी विधानसभा क्षेत्र में तो हारे ही, बूथ भी नहीं बचा पाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल हित में जो उचित होगा डंके की चोट पर करेंगे, विरोधी विरोध करते रहें। जेपी नड्डा के आशीर्वाद से फिर से प्रदेश में सरकार रिपीट करेंगे। चंडीगढ़ में हिमाचल के वन मंत्री गोविंद ठाकुर की पत्नी रजनी ठाकुर का रुपयों से भरा बैग चोरी होने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि इतना ज्यादा कैश लेकर चलना खतरे से खाली नहीं होता। एक तरफ तो पीएम नरेंद्र मोदी कैशलेस प्रक्रिया अपनाकर कार्ड से ही भुगतान का आह्वान कर रहे हैं, वहीं उन्हीं के पार्टी के मंत्री और उनके परिवार के लोग इतना भारी भरकम कैश लेकर घूम रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा ने भी मामले में सरकारी गाड़ी ले जाने पर सरकार पर प्रहार किया है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह जयराम सरकार से नाराज हो गए हैं। उन्हें लगता है कि शिमला ग्रामीण से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारियों का सरकार उत्पीड़न कर रही है, इसलिए उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर कर्मचारियों का राजनीतिक प्रतिशोध बंद नहीं हुआ तो वे भी कर्मचारियों के साथ किसी भी आंदोलन में उतरने को मजबूर होंगे। विक्रमादित्य का आरोप है कि वह सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक पार्टियों में बांटने का प्रयास कर रही है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जो कि निंदनीय है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी एवं डलहौजी की एमएलए आशा कुमारी ने कहा है कि उपचुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग को इन सब पर नजर रखनी चाहिए। आशा कुमारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये जुमलों वाली सरकारें जनता को मिसलीड करके सत्ता में आई हैं, इसलिए उपचुनाव में इस पार्टी को हराकर जनता दोनों सीटें जितवाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशा ने कहा कि बीजेपी में चल रही अंतर्कलह के कारण ही विकास ठप पड़ा हुआ है, 2 साल में कोई काम धर्मशाला में नहीं हुआ।
सुंदरनगर में पुलिस नेताओं की आवभगत में सुबह 7 बजे से सड़क पर तैनात रही और शव 3 घंटे तक जलाशय में तैरता रहा। बीएसएल जलाशय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थाना पुलिस ने घटनास्थल पर आने के लिए 3 घंटे का समय लगा दिया। मौके पर मृतक के परिजन जलाशय के बाहर खड़े होकर अपनी लापता संबंधी नरेंद्र कुमार के शव की शिनाख्त तक करने के लिए तरसते रहे और ये सब 3 घंटे के बाद पुलिस के आने पर संभव हुआ। परिजनों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की है। मणिकरण घाटी में लापता हुए बेंगलुरु के युवक को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। युवक को सही सलामत मणिकरण पहुंचा दिया गया है। यह युवक अपने साथियों के साथ मणिकरण घाटी के मान तलाई से खीरगंगा ट्रैक पर ठाकुर कुआं की ओर गया था। यहां ट्रैकिंग के दौरान कौशिक वेणुगोपाल निवासी बेंगलुरु वहां से लापता हो गया था, जिसकी सूचना उसके 2 अन्य दोस्तों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। काफी सर्च करने के बाद आखिरकार उन्होंने सफलता हासिल की। हिमाचल में मौसम पल पल रंग बदल रहा है। बुधवार को जहां मैदानी इलाकों में धूप खिली रही, वहीं चंबा के भरमौर व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डलहौजी के समीप स्थित लक्कड़ मंडी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इसके अलावा भरमौर की ऊपरी चोटियों कुगती पास, चौबिया पास, मणि महेश डल झील में 6 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई है। इस बर्फबारी से पूरा क्षेत्र ठंड की चपेट में आ गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिन तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।